रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे। पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहीं साथ में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके साथ रहे, जिन्होंने स्वर्गीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के 13वीं संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अधिवक्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में आज भी वो याद किए जाते हैं। बताया कि प्रदेश और देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति की बात है। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, मैं समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह परिचित है। अब उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज त्रयोदशा का कार्यक्रम था तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वित्तीय है, आटे आटे के लिए वो मोहताज हो गया है, क्या कहेंगे इन परिस्थिति पे पाकिस्तान जो करता है उसका परिणाम किस तरह भुगत रहा है? नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे या तो हम सदैव यही कामना करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।